राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं। पिछले समय हमने देखा कि मंत्रालय कर्मचारियों का धरना जो है वो 60 दिन तक लगातार 2 महीने तक चला। आज इसी सिलसिले में वेतन विसंगति को लेकर नर्सेस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आपका प्रदर्शन था यहाँ पर, आपने प्रेस वार्ता करके सारी जानकारी दी है, क्या कुछ प्रमुख मांगे आपकी? देखिए, राजस्थान में नर्सेज ने 4.5 वर्ष तक पूरे धैर्य से इंतजार किया। अब चूंकि आचार संहिता शीघ्र लगने वाली है और नर्सेज की जो वेतन विसंगति है वो दिल्ली नहीं बल्कि हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल जैसे राज्यों से भी यहाँ पर 7100 से 22700 रुपये तक मूल वेतन का। मुख्यमंत्री जी पर हमें भरोसा था कि वेतन वृद्धि होगी, मगर अभी हाल ही में 2023 का जो बजट घोषणा की है उन्होंने कहा है कि अभी ACP में इमीडिएट नेक्स्ट पे भी लेवल की जगह अब आपको उच्च पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाएगा। तो 27 वर्ष पर फिर नर्सेज को, चूँकि 18 और 27 वर्ष के जो पद हैं वो दोनों का एक ही ग्रेड पे 5400, तो इस तरह से नर्सेज 4200 रुपये ग्रेड पे भर्ती होगी और 2700 रुपये पर जो है 5400 रुपये पर वो 27 साल में वो पहुँचेगी वहाँ, जबकि वही थर्ड ग्रेड एम्प्लॉयज पहुँचेगा। वहीं हमारे समकक्ष जो 3600 रुपये में इनिशियली जो भर्ती होते हैं JN, वो फिर 27 साल के बाद में उनको 6800 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा। तो अब राजस्थान के अंदर ही नर्सेज के समकक्ष कैडरों के तुलना में विसंगति उत्पन्न हो गई है और ये बहुत अशीनी है। दूसरा, हमारे नर्सेज का को सफाई कर्मचारी का मूल वेतन SMS में 9500 रुपये है संविदा वालों का, और राजस्थान की सरकार ने 7900 रुपये BSc और MSc नर्सेज का जो मूल वेतन तय किया है, जो क्वालिफाइड डिग्री डिप्लोमाधारी नर्सेज हैं, ये नर्सेज का बहुत बड़ा शोषण, बहुत बड़ा अपमान है, प्लेसमेंट है जिससे भर्ती होना। साथ में हमारा जो कैडर है वो रिव्यू नहीं किया सरकार ने, पिछली सरकार में ही वो रिव्यू होना चाहिए था। हमारे पदोन्नति के कोई मार्ग नहीं है, हमारे पदनाम परिवर्तन नर्सिंग ट्यूटर NMS के पदनाम परिवर्तन बाकी है, हमारे ड्रेस कोड का परिवर्तन, हमारी नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, तो हमारे वेतन भत्तों में 8 साल में कोई वृद्धि नहीं हुई। ये सब चीज़ों पर मुख्यमंत्री जी से हमें भरोसा था, मगर अभी जिस तरह के प्रशासनिक हालात हैं उससे लगता नहीं है कि राजस्थान में नर्सेज को अब बिना कुछ आंदोलन के मिलेगा। इसलिए राजस्थान के आज दोनों ही जो प्रमुख बड़े संगठन हैं RNA और RRNA, उन दोनों ने मिलकर के एक राज्य स्तरीय कमेटी यहाँ हमने बनाई है, संयुक्त संघर्ष समिति, और पूरे राजस्थान के अंदर इसका मैसेज गया है और पूरे राज्य में ब्लॉक स्तर तक जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय जो संगठनियाँ हैं वो बनेंगी। और अभी 1 तारीख को जयपुर में SMS हॉस्पिटल के अंदर इसकी शुरुआत बड़े बृहद प्रदर्शन के साथ की जाएगी और उसके बाद में प्रदेश स्तरीय राज्य भर से यहाँ पर पदाधिकारी इकट्ठे होंगे और उसके बाद पूरे राज्य के अंदर ये आंदोलन ब्लॉक स्तर तक जाएगा। और इससे जो भी असुविधा अगर राजस्थान में होती है तो वो जिसके लिए राजस्थान की सरकार की जो उदासीन नीति है वो जिम्मेदार होगी, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपना सब कुछ दांव पर लगाया और आज हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक वित्तीय जो हालात हैं उसके आधार पर राजस्थान की नर्सें आज बिहार उत्तर प्रदेश से पीछे थी, अब यहाँ जयपुर राजस्थान में ही अब शिक्षकों से और JNOs से भी अगर पीछे हो जाएगी तो ये असहनीय है, इसको सहन नहीं किया जा सकता और इसके लिए जितने बड़े भी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, इसकी पूरी रणनीति तय की जा चुकी है। राजस्थान में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो आपने 4.5 साल सरकार ने अभी दिए हैं उसमें आपकी मांगें पूरी नहीं हुई या फिर आपने उनको पुरजोर तरीके से उठाया नहीं? नहीं, हम ये कहेंगे, हमने नर्सेज ने राजस्थान में हमेशा, चूँकि हम आम जनता से, आम रोगी से सीधे जुड़े होते, तो हमने कभी कोई बड़ा कदम उठाने का प्रयास नहीं किया, मगर छोटे कदम, धरने, प्रदर्शन, 2-2 घंटे के वॉकआउट हमने 18 मई से शुरू किए हैं जयपुर में, हम लगातार कर रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, हर 2-2 घंटे का, और हमने धरने भी लगाए हैं, प्रदर्शन किया, हर तरह के सांकेतिक प्रदर्शनों के माध्यम से हमने मांग उठाई, लगातार ज्ञापनों के माध्यम से मांग उठाई, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री जी जब जब भी हमको मिले हमने उनको ज्ञापनों के माध्यम से पूरे राजस्थान से सब कुछ भेजा गया, मगर उसके बावजूद भी प्रशासनिक स्तर पर कोई भी निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। और ये निश्चित रूप से अब अगर यहाँ से नर्सेज यहाँ के बाद भी अगर चुप रहती है तो नर्सेज की आर्थिक दुर्दशा अत्यधिक है, हमारी मजबूरी है, हम मजबूरी में, क्योंकि हमें सफाई कर्मचारियों से कम वेतन अगर एक क्वालिफाइड BSc और MSc क्वालिफाइड ग्रेजुएट नर्सेज को मिलता है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा राजस्थान में नर्सेज का कोई अपमान हो नहीं सकता और हम इस अपमान को सह नहीं कर सकते, मजबूरी में ये सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप मेरे से मांगने आओ, मैं आपको झोली भर के दूंगा, लेकिन उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि 4.5 साल के अंदर भी आपकी मांग पूरी नहीं हुई अभी तक? देखिए, पहले तो मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि अभी हमारे पास में जो है कोरोना से हम लोग निकले हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमने पिछली बार मुख्यमंत्री जी को सलाह दी कि अगर आपको ये बजट बढ़ाना है तो आप OPS राजस्थान में लागू कर दीजिए, तो 6000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को पर ईयर बचेगा, जो जो अन्य प्राइवेट कंपनियों को देना पड़ता था NPS का, तो
तो उससे भी सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। दूसरी बात, अभी राजस्थान की सरकार ने कभी भी एक शब्द भी ये नहीं बोला है कि वो आर्थिक रूप से कहीं उसको कोई असुविधा है। अगर आर्थिक रूप से सरकार को कोई भी असुविधा है तो राज्य कर्मचारी को सामने कहे। राजस्थान की नर्सेज ने पहले भी डोनेशन किया है, आज भी हम डोनेशन करने को तैयार हैं, मगर हमारे आर्थिक और सामाजिक हितों को अगर ब्यूरोक्रेसी क्रैश करेगी तो राजस्थान की नर्सेज कभी भी पीछे ना रही है ना रहेगी। संघर्ष हमारी मजबूरी है और मुख्यमंत्री जी को अब इस बात का जवाब देना है कि राजस्थान की नर्सेज जो क्वालिफाइड नर्सेज है अगर उसको देने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के समान भी अगर राजस्थान में सरकार के पास वेतन नहीं है तब फिर किस आधार पर राजस्थान को मॉडल राज्य कहा जा रहा है, किस आधार पर राजस्थान को कर्मचारी हितैषी राज्य कहा जा रहा है। अब नर्सेज की मजबूरी है और नर्सेज आर पार का संघर्ष करें। दो दिन पहले अभी डॉक्टर्स जो हैं 2015-16 बेच के वो भी उन्होंने भी चिकित्सा जो सचिव हैं उनको ज्ञापन सौंपा था वेतन विसंगति को लेकर। उनकी भी मांग यही थी कि अगर हमारी मांग 1 जुलाई तक पूरी नहीं होती है तो हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। आप भी बोल रहे हैं कि 1 जुलाई से बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, तो हम जनता का फिर क्या होगा, जनता कहाँ इलाज करवाने जाएगी फिर? सही बात है, ये सारी चीज़ें हम मुख्यमंत्री जी को और चिकित्सा मंत्री जी को बार बार अवगत कराते रहे। हमने पिछले दिनों 18 मई से पूर्व हमने ACS मैडम सुब्रा सिंह जी को भी जाकर के बात अवगत कराई थी, हमने चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी अवगत कराई कि आखिर एक सीमा है, सब्र की कोई सीमा होती है। अब 4.5 साल हमने इंतजार किया, आचार संहिता लगने को है। जो बजट आया, इस बजट में हमें उम्मीद थी कि DC सामंत कमेटी और खेमराज कमेटी की जो वित्तीय जो वेतन विसंगति संबंधी रिपोर्ट है वो सरकार लागू करके कुछ देगी, मगर कुछ मिला नहीं। और उल्टा नर्सेज का पे लेवल है ना अन्य कैडरों से और 2-3 लेवल कम हो गया, तो अब यहाँ से आगे अब हम बताइए क्या करें। हम रोगियों के प्रति संवेदनशील हैं हम निश्चित रूप, मगर आखिर हमारी कोई सीमा है? हमारा कितना बड़ा क्रैश, आप पूरे हिंदुस्तान राजस्थान के किसी भी एक अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के और पढ़े लिखे व्यक्ति तक से एक बार ये कंसीडर ये कहलवा दें या कोई पत्रकार बंधु भी इस बात को कह दे कि राजस्थान में क्वालिफाइड नर्सेज को 7,900 रुपये जो सफाई कर्मचारी से कम मूल वेतन है उस पर ठेकेदारों के माध्यम से लगा रही है सरकार, वो उचित है? कह सकती कोई सरकार? हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद क्वालिफाइड नर्सेज तैयार होती है, उनकी ज़िंदगी बचाने का काम कर रहे हैं, और आज अगर उनको पूरा वेतन देने की बात नहीं है तो निश्चित रूप से कर्मचारी अपना काम भी करता है तो अपना हक भी मांगता है, और हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि हम संवैधानिक रूप से हमारे हकों की बात को उठाएं। और सरकार को देखना है कि सरकार अभी भी रोक सकती है, सरकार नर्सेज के आंदोलन के बढ़ते हुए कदमों को रोक सकती है। ये 70,000 नर्सेज का बहुत बृहद आंदोलन होगा, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों तक कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ना ANM मिलेगी ना स्टूडेंट मिलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट होगा हमारा 150 रुपया। देखिए आप BSc नर्सिंग जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको 150 रुपये प्रतिमा स्टाइपेंड है, GNM की जो हमारे स्टूडेंट है उसको 900 रुपये प्रतिमा स्टाइपेंड है, 30 साल से इनका स्टाइपेंड वृद्धि नहीं हुई, तो ये स्टूडेंट भी अब हमारे साथ लामबंद है। तो न स्टूडेंट मिलेगा न ये मिलेगी न कोई नर्स मिलेगा, और ऐसा आंदोलन अगर होता है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की अभी भी समय है। मुख्यमंत्री जी तुरंत एक्शन लें, चिकित्सा मंत्री जी एक्शन लें, और जो भी हमारी जायज समस्याएं हैं उनका तुरंत निदान करें, और अगर निदान नहीं होता है तो हमारी मजबूरी होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। RTS में हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप डॉक्टरों से अपील करी थी, आप काली पट्टी बांधकर जो है विरोध प्रदर्शन कीजिए, आप सड़कों पर मत उतरिए, लेकिन अब आप अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने वाले हैं तो क्या आपका आंदोलन भी एक हिंसात्मक आंदोलन होगा? देखिए नर्सेज तो जिंदगी बचाने वाली जो है एक संवर्ग है, और हम तो हिंसा से जो पीड़ित लोग हैं उनके जीवन को बचाने का काम करते हैं। हम ये नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग अधिकारी वर्ग है, सीनियर नर्सिंग अधिकारी वर्ग है, हिंसा की कोई बात नहीं। संवैधानिक तरीके से जिस भी तरीके से हमें हमारी बात रखनी है हम उसी संवैधानिक तरीके से हमारी बात रखेंगे, मगर अब आज नर्सें सड़कों पर उतरने के लिए एक साथ मजबूर नहीं हुई है। आप सोचें ना, 18 मई से जयपुर के कामटिया चिकित्सालय से हमने शुरुआत की थी, मेंटल हॉस्पिटल हर हॉस्पिटल जयपुर के सभी 14 हॉस्पिटलों हमने 2-2 घंटे गेट मीटिंग करी, एक दिन और बताया कि आपको ये करना है आपको ये करना है। अगर सरकार चाहती तो 18 मई से लेकर के अब आप देख लीजिए आज जो तारीख हुई है कितना है 23 जून हो गया, और इसके बाद में अब यहाँ से आगे भी, तो आखिर कब तक देगा? सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और सरकार नहीं चाहे तो अगर वो नर्सेज की परीक्षा लेना चाहती है तो हम परीक्षा देने को तैयार हैं। तो ये हमारे साथ में राजेंद्र राणा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मौजूद थे, इन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा लगातार 4.5 साल से इनके मांगों के ऊपर कोई काम नहीं किया गया है, कोई गौर नहीं किया गया है। अब इनकी मांग है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो सरकार के खिलाफ ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। सहयोगी कैमरामैन के साथ अंकुर शर्मा, 9 TV जयपुर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।